हैल्थ प्लस प्रोग्राम अज असीं तुहानूं लै के चल रहे हैं रेडियंस मल्टी स्पैशलिटी होस्पिटल ऑपोजिट जे टी पी एल सिटी सैक्टर 127 खरड़ लांडरा रोड खरड़ एस ए एस नगर पंजाब। इस हस्पताल दे विच IVF टेस्ट ट्यूब बेबी फाइब्रॉयड्स एडवांस हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है गाल ब्लैडर दे स्टोन्स रिमूव किए जाते हैं हरनिया दे ऑपरेशन होंदे ने बैरीएट्रिक सर्जरी हुंदी है लेजर सर्जरी गायनेकोलॉजी दे विच भी हर तरह दीयां सुविधावां उपलब्ध ने फाइब्रॉयड्स वाइजिनल PCOS PRP थेरेपी इत्थों तक कि इत्थे कैंसर दा इलाज भी कीता जांदा है। साडी टीम ने डॉक्टर रमन सिंगला और डॉक्टर रिमी सिंगला नाल गलबात कीती। डॉक्टर रमन सिंगला जो कि डायरेक्टर सीनियर कंसल्टेंट जनरल कैंसर सर्जरी एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक बैरीएट्रिक सर्जरी और डॉक्टर रिमी सिंगला डायरेक्टर सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिस्ट और IVF ते इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ने। दर्शको हेल्थ प्लस प्रोग्राम तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां रेडियंस हॉस्पिटल जिहड़ा कि एक ऐसा हॉस्पिटल एक एक्सपीरियंस्ड जोड़ा जिन्हें लंबा समा अपने सेवावां दित्तियां इनफर्टिलिटी का फील्ड होवे लैप्रोस्कोपी सर्जरी की गल कर लीए हर फील्ड के इस जोड़े ने बहुत ज़्यादा लोगों को संतान सुख की प्राप्ति की गल कर लीए लोगों को क्रिटिकल तो क्रिटिकल पोजिशन तो बाहर क्ढन की गल कर लीए तो दोनों ने बहुत वड्डी सेवा की है IVF हॉस्पिटल के और हुण जिहड़ा हैगा रेडियंस के रूप के जिहड़ा आपां बनूर लांडा रोड के उपर हार्ट ऑफ करड़ ये खुलिया हैगा प्राप्ति और कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिदे विच लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की गल कर लिए काउंसलिंग की गल कर लिए हस्बैंड वाइफ तुसीं दोने इनवॉल्व हुंदे हो और इनफर्टाइल कपल्स नूं तुसीं दोने गाइड करदे हो की कहना चाहोगे। देखो रुचि मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी अजकल दे टाइम दे विच एक बहुत वड्डा लगा लो कि दे हैड अ बर्डन ऑन देयर हेड्स है ना। एक फैमिली का प्रेशर भी हुंदा है एक सोशल प्रेशर भी हुंदा है एक सोशल बर्डन भी वो लैके चलते हैं भी साढ़े को बच्चा नहीं है बट बींग एन इनफर्टिलिटी एंड IVF स्पेशलिस्ट जिदे कि मैं प्रैक्टिस लास्ट 15 ईयरस तो कर रही हाँ ते आज एक यही मेरा एक अलग वेंचर है रेडियंस हॉस्पिटल जिहड़ा सी एक्सक्लूसिव फॉर लैप्रोस्कोपी एंड इनफर्टिलिटी एंड IVF सेंटर दे विच लैके आया। इस दे विच ए मैं कहना चाहूँगी कि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ रे ऑफ होप टू ऑल माई चाइल्डलेस कपल्स कि जिन्हों को बच्चा नहीं हैगा और एक जेन्युइन रूप से कि मैं उन्होंने की हेल्प कर सकती हाँ तो किमें उन्होंने अगे गाइड कर सकती हाँ। ये मेरे ही अपने पेशेंट्स का प्यार है कि जेड़े वो मैनू उत्थों इत्थे तक लैके आए हैं तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव दिस मैसेज इन एट दिस सोशल मीडिया कि वो पेशेंट्स मेरे को आन ते अपना दिल खोल के मेरे नाल गल करन कि मैं उन्होंने की हेल्प कर सकती हाँ कि वो इतों बच्चा लैके ही एक कंबीनेशन की गल कर लिए जिदा मेल इनफर्टिलिटी की गल कर लिए जेडे कि अजकल एपीडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका मेल इनफर्टिलिटी का भी और तुहाडा दोनों का समेल जिहड़ा हैगा क्योंकि तुसीं जिस तरीके नाल काउंसलिंग करदे हो मेल पेशेंट्स नूं मेल पेशेंट्स दे जिहड़े प्रॉब्लम्स दा सॉल्व करदे हो की कहना चाहोगे। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जो ऑलरेडी स्ट्रेस आउट होंगे ने उन्हां दे विच ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स दे विच कारण जो है वो मेल हुंदा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग इग्नोर करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग फीमेल की इनफर्टिलिटी के पिछले लगे रहते हैं मेल फैक्टर को इंपोर्टेंस नहीं देते ऑन दो 50% ऑफ पेशेंट्स जोड़े है वो 50% पेशेंट जोड़े है मेल इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं तो मेल इनफर्टिलिटी वास्ते मेल पेशेंट्स उन्होंने हस्बैंड्स इवेल्युएट करना उन्ना ही जरूरी हो जाता है ज़्यादा उस तो भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वो पार्ट एक बड़ा इग्नोर्ड पार्ट रह जाता है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के एज अ कॉम्बीनेशन सानूं यह जरूर बेनीफिट होंगे तो साढ़े पेशेंट्स में उस तो भी ज़्यादा बेनीफिट जरूर होंगे कि मेल तो इन फीमेल इनफर्टिलिटी वाला दोनों वाले पार्ट जोड़े है एट अंडर वन रूफ इक्वली इवेल्युएट होकर तो उन्होंने जो है रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छी इंप्रूवड रिजल्ट मिलते हैं। तो सर टीबी की आप गल कर लीए ट्यूबरकलोसिस जिहड़ा कि रिकोगनाइज भी नहीं होंदा कई बार और बहुत सारिया लेडीज़ नूं पंजाब दे विच जिहड़ी हैगी प्रॉब्लम हैगी है और तुसीं इस दे स्पैशलिस्ट हो हर चीज़ दे क्योंकि तुसीं 15 साल का लंबा एक्सपीरियंस और नहीं तो उन्हें मशीनरी जी तुम लॉन्च की उन बारे की कहना चाहोगे। देखो टीबी इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा फैलिया हुआ है ठीक है लेकिन टीबी करके एक फीमेल की जो ट्यूब्स हैं और ब्लॉक रहिंदियां ने
ਤੇ ਵੀ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦੀਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਾਈ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਕਿ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਿਊਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਬੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 to 9 months ਕੱਢ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੀਵਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਬੀ ਇਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਟੀਬੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਬਰਡਨ ਪਰ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈ ਕਾਂਟ ਬੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਲ ਸੋਲਮਾ ਚੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਲਗੋਜਿਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੋਜਿਸਟਿਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੰਗ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਮੈਰਿਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 27-28 ਦੀ ਏਜ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਨ ਐਜ਼ ਏ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਨਫਰਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਿਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਪਲੱਸ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਿਸ ਨੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਜ ਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਕਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਲੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਲੇਟ ਪਲੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜੋ ਮੋਸਟ ਫਰਟਾਈਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਜੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੀਮੇਲਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਆਲਦੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਬਟ ਉਹਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਿਲੇਡ ਮੈਰਿਜ ਪਲੱਸ ਡਿਲੇਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਜੋਬ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਟ ਦਿਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਟ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਇਟ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਉੱਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਦੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਟ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਿਦ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵਰੀਜ਼ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਸਰਜਰੀਜ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਰ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਰਜਰੀਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹਸਪਿਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੋ 10-10 centimeter ਦੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 10-10 centimeter ਦੇ ਚੀਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੇ ਹੁਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਜੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਲ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ 10 centimeter ਦੇ ਕੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 1 centimeter ਜਾਂ 0.5 centimeter ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁੰਡ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਹਰਨੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਪਲੱਸ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਯੂਟਰਸ ਓਵਰੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆ ਸਰਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
फॉर द पेशेंट वो कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा आ गया। सो रिजल्ट इंप्रूव होना प्लस कन्वीनियंस होना एक बहुत अच्छा ये कॉम्बीनेशन बन जाता है जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके ही आ पाया। डॉक्टर साहब अजकल हिस्टमीन क्योंकि अगे सारा पेट जोड़ा है बच्चेदानी निकलने के लिए पाड़ दें सही लेकिन वह भी तुम लेप्रोस्कोपिक कली कर रहे हो क्योंकि कंबीनेशन दोनों जन का बहुत ज़्यादा बड़ा है कि कहना चाहोगे। देखो मैं लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी जिन्होंने कि असं कहने कि बच्चेदानी का रिमूवल यूट्रस रिमूवल इन आर लैंगुएज ये प्रोसीजर असी दूरबीन नाल शुरू किया सी। अज तो तुसी मान के चलोगे अराउंड 17-18 साल पहला शुरू किया सी। ते डॉक्टर साहब ही इज़ द पायनियर अमंग दिस लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी अमंग 15 ईयर्स बैक इन दिस ट्राइसिटी जो असी शुरू किया सी। अजकल दे टाइम दे विच एंड टुडे सिनेरियो दिस इज़ आर वेरी वेरी कॉमन प्रोसीजर एंड लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी जिन्होंने कहने असं दूरबीन नाल बच्चेदानी कढ़ना इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसीजर पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज की भी लोड़ पैंती है। तो नाल साड़ी एक्सपर्टाइज हैगी है कि जिदे विच जिन्हां दे कोई पहला दो ऑपरेशन होए भी होन या फिर जिन्हां दे नाल अंडेदानी दे विच भी गठा होन या फिर जिन्हां दे कोई हरनिया भी नाल होवे तो उन्हां केसिस दे विच भी लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी इज़ क्वाइट यूजफुल तो वो बहुत ज़्यादा फायदे हैगे ने और एक दिन पेशेंट अपना घर जा सकता है उस तो बाद उन्होंने नॉर्मली कोई लोड़ नहीं पैंती। असी हज़ारा की तादाद के कम से कम जो लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमीज है वो कर चुके हैं। अच डॉक्टर साहब रिकोगनाइज करते हैं प्रॉब्लम और तुम उन्होंने निजात दे देंगे हो दोनों जो मिलते हो जो थोड़े सिस्ट्स हो गए या कोई होर प्रॉब्लम हो गया एंडोमेट्रोसिस हो गया वो कोई किसी तरह की प्रोसीजर की लड़ है की कहना चाहोगे कि एक तो मतलब ये होंगे कि डॉक्टर जोड़े है इनफर्टिलिटी के वो आप जोड़े है वो इंटेंगल होंगे दोनों चीज़ों के उन्होंने माइंड सैटअप है जो डिवर्ट रहा और एक इन्होंने ईजीली अपना सिर्फ इनफर्टिलिटी के बारे सोचना और तुम प्रोसीजर के बारे सोचना ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਚੀ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਂਡ ਸਰਜਨ ਫੋਰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਅਤੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਪਾਉਣਾ ਪਲੱਸ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੀਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੈਕਟਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਯੂਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਰਸੌਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰਸੌਲੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ये सब सारिया चीज़ा लैप्रोस्कोपी नाल कर पाना ये दोनों असं जो इकट्ठे करते हैं तो साढ़े वास्ते दोनों वास्ते बहुत बेनीफिशियल हो जाता है उहदे नाल स्किल एज वेल एज जो पेशेंट की कन्वीनियंस है वो दोनों ही बहुत इंप्रूव कर जाए पेशेंट को डेफिनेटली उस चीज़ का बहुत फायदा होगा। डॉक्टर साहब पेशेंट जिन्हें स्पर्म्स नल भी ने या जिन्हें टेस्टिस स्पर्म है लेकिन बाहर नहीं आ रहे ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये हॉस्पिटल एक वरदान के रूप धारण कर चुके हैगा की कहना चाहोगे। हाँ जी वो मतलब जिन्होंने से कहे एक सी प्रोसीजर हैगा जिन्होंने से कहने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिदे जिन्हें उन्होंने नीचे टेस्टिस ने उन्होंने असं इंजेक्शन दे के सिर्फ स्पर्म्स जो है बाहर कड़ते हैं तो फिर उन्होंने स्पर्म्स की जी जांच है वह माइक्रोस्कोप के अंदर होंगी है इनवर्टिड माइक्रोस्कोप तो फिर जो सूँ एक दो तीन जिन्हें भी स्पर्म्स हैल्दी स्पर्म्स मिलते हैं उस हैल्दी स्पर्म्स नेड़ल के नाल जाके जी उन्होंने वाइफ के एग्स मिले होंगे उन्होंने नाल मिला मिला के उन्होंने नाल इनवर्टिड माइक्रोस्कोप के नाल इंजेक्ट करते हैं फिर उन्होंने इनक्यूबेटर के रखा जाता है कि उन्होंने जी ग्रोथ है वह बन सके एंड इट इज़ क्वाइट यूजफुल अजकल के टाइम के फॉर एजोस्पर्म पेशेंट्स। एंड मोस्टली पेशेंट्स आर अंडर प्रेशर व्हेन जो कि लोग IVF का नाम लेंगे प्रेशर महसूस करते हैं कि कहना चाहोगे कि अज जो टैक्निक्स है जो पारदर्शिता हैगी जिस स्पर्म उन्होंने आपके स्पर्म लेडीज के है इन अंटल एंड उस समय तक जब तक वो अपनी बिल नहीं देंगे कि अगर स्पर्म्स नहीं है बिल्कुल ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है या ट्यूब्स के कोई प्रॉब्लम ऐसी है कि आपां नूं सर्वोगेसी लई जाना पैंदा या होर प्रोसीजर लई जाना पैंदा की कहना चाहोगे कि IVF वाले नूं बड़ा वधिया अजकल मौका हैगा कि IVF दा जिहड़ा काम है वो अपने स्पर्म्स दे नाल ही और अपने एग्ज़ दे नाल ही बच्चे जिहड़े हुंदे आ उन्हां दी धारणा जिस तरीके नाल उन्हां दे मन ते प्रेशर हुंदा कि प्रेशर नहीं रखना चाहीदा। पहला हुंदा सी अगर किसी नूं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है बच्चा नहीं हो रहा है तो सीधा यही गिनया जाता सी कि बच्चा गोद ले लीए ठीक है ना अपना बच्चा नहीं हो सकता बच्चा गोद ले लीए लेकिन बच्चे दे नाल पेरेंट्स दे बहुत बड़े इमोशंस जुड़े होंदे ने हर एक की कोशिश यह होंदी है कि मेरा अपना बच्चा होवे गोद लेना एक लास्ट ऑप्शन गिन के चलते हैं पर पहला इस तो अलावा होर कोई ऑप्शन नहीं बच जाते हुण इन्ना सारे ट्रीटमेंट्स करके ईवन जिदे निल स्पर्म आ रहे ने उहदे च अगर एक या दो स्पर्म भी मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उस कपल दे अपने एग्ज ते अपने स्पर्म्स दे नाल बच्चा हो सकता है। अगर किसी दे इक्सी नाल या टीसा नाल या जो भी प्रोसीजर्स ने उन्हां नाल स्पर्म मिल ही नहीं रहा फिर एक ऑप्शन जो है डोनर स्पर्म दी या डोनर एग दी फीमेल दे केस दे विच जरूर हैगी है
बट कोशिश हमेशा यही रहती है कि उन्होंने अपने ही हो जिथे तक हो सके, लेकिन अगर वो चीज़ बिल्कुल ही आप सारिया ऑप्शन खत्म हो जाएगा ने फिर डोनर स्पर्म या डोनर एग या सरोगेसी की जिम्मे आप गल कर रहे हैं वो ऑप्शन हमेशा वो है ही नहीं है डेफिनेटली है। डॉक्टर अगर आप गल कर लिए हाई रिस्क प्रैगनेंसीज की गल कर लिए और अजकल क्योंकि बच्चे जोड़े है वो बहुत रिजियस और खास तौर पर आई एफ वाले तुम 9 महीने ही उन्होंने नाल अटैच रेंगे हो और उन्होंने संतान सुख दे के और उस तो बाद हाई रिस्क प्रैगनेंसीज तक भी तुम डील कर दो करना चाहोगे? नहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि जिन्हें भी आई वी एफ पेशेंट्स हैं ऑल दे आर विद हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ऐसी गल नहीं हैगी, इट इज़ अ मिथ। लेकिन कई पेशेंट्स होंगे जिमें अमक जी एज 35 तो उपर हैगी या 40 तो उपर हैगी, हाँ वो साढ़े को जरूर हाई रिस्क कैटेगरी आएंगे जिन्हों डायबिटीज भी हो जाती है या जिन्हों शुगर अपना हाइपर टेंशन बी पी जिन्हों का बढ़ जाता है दे विल कम अंडर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो ऐसी गल नहीं हैगी जो आई वी एफ प्रेगनेंसी हो हाई रिस्क जो फैक्टर भी नाल है दे आर वैल मैनेज कोई ऐसी गल नहीं, बट यह है कि उन्होंने टाइम टाइम से साढ़े को आना पैदा फॉर देयर एंटीनेटल चैकअप। जे सानू कोई चीज़ का लगता है कि कितने कोई ब्लड सप्लाई बच्चे को घट जा रही है या बच्चे का वेट घट आ रहा है तो वी कैन मैनेज एट दैट टाइम ओनली एंड वी कैन काउंसल द पेशेंट्स क्या हूँ आप स्टैप्स जो है फर्दर लैके जाने पैणगे, दैट इज़ कॉल्ड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। पर ये नहीं है कि पेशेंट इन्नी ज़्यादा घबरा जाए कि हाँ मैं आई वी एफ करा रहा तो जो मैं प्रेगनेंट होगी तो मैंने 9 महीने हॉस्पिटल ही रहना पड़ेगा, दिस इज अ मिथ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਕਰ ਲਈਏ इस एरिया तो बड़े दूर दूर तो डॉक्टर साहब तुहाडे कोल दोनों कोल पेशेंट आते हैं और उन्होंने प्रजोर बेनती देते जो उन्होंने नेड़े ही मतलब जो है आने के लिए जो है सेवावान केंद्र खोलिया, तुम दोनों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।